किसी भी कीमत ते विदेश पहुंच के उत्थे वसन दा सुपना लखां पंजाबी वेखते ने, पर अजेहे पंजाबियां दी भी कमी नहीं जिन्हां दे कोल विदेश विच वसन दा सुनहरी मौका तां हुंदा है, पर ओह अपनी मिट्टी अते अपनियां जड़ां दे नाल जुड़े रहन वास्ते वापस अपने मुलक पंजाब परत आउंदे ने ते इत्थे आके खुशी खुशी अपने घर परिवार दे विच जिंदगी बसर करदे ने। अजेहे ही मिसाल पेश कीती है मोगा दे कस्बा निहाल सिंह वाला दे पिंड लोहारा दे राजविंदर सिंह धालीवाल ने, जिसने अमरीका दे विच 5 साल रह के उत्थे दी जिंदगी नू बहुत ही करीब तो देखिया ते समझिया, पर उस तो बाद उसने अपने वतन वापस परत आउण दा फैसला लिया। इत्थे आके राजेंद्र ने अपनी 6 एकड़ जमीन दे विच गन्ने समेत कई होर फसलां दी ऑर्गेनिक खेती शुरू कीती अते अपने आस पास दे खेतरां दे विच नामना खटिया। मीडिया दे रूबरू हुंदे होए राजविंदर धालीवाल ने कहा कि उसने 5 साल अमरीका विच रह के ए जानिया परिवारक रिश्ते समय दे नाल नाल ते काम दे बोझ दे चलदिआं अहमियत खोंदे जा रहे ने, इस तों बाद कमाए गए पैसे दा वी कोई फायदा नहीं हुंदा। हालांकि राजिंदर धालीवाल ने कहा कि अमरीका विच जाण तों पहलां ओह किसी भी कीमत ते अमरीका पहुंचना चाहुंदा सी, लेकिन उत्थे जाके उसने वेख्या कि विदेश विच तां इंसान केवल एक मशीन बन के ही रह जांदा है, उसकी अपनी पहचान खत्म होनी शुरू हो जाती है। अजिहे विच सोच विचार करन तो बाद उसने अपने मुलक पंजाब वापसी की थी। हालांकि उसके इस फैसले तो परिवार वाले पहला खुश नहीं सी, पर फिर उसकी मेहनत नू वेख के हर कोई उसका साथ देने दे लई तैयार हो गया। इस संबंधी गल करते हुए राजिंदर ने जिथे ऑर्गेनिक खेती यानी कि जैविक खेती के फायदे दसे, पर नाल ही उसने दुख भी जताया कि सरकारां किसी भी फसल का उचित मुल नहीं दे रही, पर बावजूद इस दे उसने फैसला लिया कि भविष्य विच ओह अपनी रसोई की हर जरूरत की चीज नू अपने खेत विच उगा के पूरा करना चाहुंदा है। पंजाब मंग दा जवाब नौवां जिहड़े साडे वेलफेयर स्कीमां ने उहदे विच अंगहीण ने विधवा ने बजुर्ग ने उहदा असीं 2500 रुपए महीना उहनां नूं देवांगे। की मिले 2500 रुपये पेंशन? पंजाब मंग दा जवाब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजविंदर धालीवाल है। आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम करते हो? मेरा गांव यही है, लोहारा गांव है, डिस्ट्रिक्ट मोगा का गांव है ये, तहसील निहाल सिंह वाला, और मैं कुदरती खेती कर रहा हूँ, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती भी अभी बोलते हैं, वो मैं अभी 6 एकड़ में कर रहा हूँ। आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया ये ऑर्गेनिक खेती करने का, कैसे प्रेरणा मिली आपको? ये हमारे ना एक प्रेरणा ऐसे है भी, मेरे को बहुत शुरू से था खेती करनी है, बट कोई अलग ढंग से करनी है, बट ये नहीं था अभी ऐसा ही करनी है। और बाद में मेरा 2017 में एक पंजाब में एक संस्था है, NGO है, जो कुदरती खेती पे काम करती है, KVM के नाम से, उसमें एक गुरप्रीत दवड़ी खाना जी थे, उनके साथ फेसबुक पे वार्ता हुई, तो उनके बताने से करने से हमने ये खेती शुरू की। हमने सुना कि आप पहले अमेरिका में रहते थे। जी, मैं 5 साल अमेरिका में रहा हूँ। तो आपको कैसे ख्याल आया अमेरिका छोड़कर भारत में आके वापस काम करने का? क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, जब तब से था, मेरी पूरी फैमिली बाहर ही है, मेरी मदर अभी भी बाहर ही है, और बहुत था जब जाना था, कब कैसे जाया जावे कैसे, बट वहाँ जाके जब वहाँ गए तो मेरा दिमाग ऐसा ही है, एक अकेला एक काम पे नहीं टिकता, ये भी एक ही चीज़ को देखे, भी काम करना है तो काम, ये आसे पासे भी देखता क्या हो रहा है, कैसे है, कैसे है वहाँ की राजनीति, क्या है वहाँ पे लोगों का, क्या है जीना, कैसे है, तो वहाँ पे जाके देखा तो भी नहीं, मैंने कहा भी मेरे लिए तो नहीं है ये, भी यहाँ पे मैं तो नहीं ज़्यादा टाइम नहीं रह पाऊँगा, और ना ही मेरे बच्चों का कि कोई इसमें कोई, मेरा जो असल खजाना मेरे बच्चे हैं मैं समझता हूँ, तो वो मेरे नहीं रहेंगे, तो इसलिए मेरे लगा भी नहीं मैं यहाँ पे नहीं टिक सकता, फिर भी मेरे को आने में 4 साल लग गए। कितने साल लगाए आपने अमेरिका में? तो लोग तो लाखों रुपया खर्च कर अमेरिका कनाडा जा रहे हैं, आप अमेरिका छोड़ के वापस आए। मेरा भी जाने से पहले हाल यही था, जब मैं गया था जाने से पहले इन लोगों वाला ही हाल था, पर मैं वहाँ जाके जब देखा, वहाँ पे बिचरा, काम किए, काम देखे,
उन लोग जो वहाँ के वसनीक है, वहाँ के लोग हैं, उनसे जब कंपेरिजन किया, उनकी बातें सुनी, तो लगा भी नहीं ये हमारे लायक नहीं है। ऐसा आपको क्या देखने को लगा अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में जो आपको लगा कि अभी भारत वापस जाना है, मैंने मुझे नहीं रहना अमेरिका में, क्या क्यों लगा ऐसा? वो यही था भी, वो एक तो आप एक मशीन बन जाते हो, गाड़ी में फिट हो जाते हो तो घूमते रहते हो, ये है आपका कहते हैं कोई भी, ये समझ लीजिए भी आपको पहचानने वाला कोई नहीं होता। जो लाखों में कोई एक आ जाएगा तो मैं उसकी, वो तो नहीं हो सकता, बट कोई एवरेज लोग है जो हमारे लोग जाते हैं, एवरेज लोग तो बस वो कुल्लू के बैल हैं, घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं और चले जाते हैं, और उनके बच्चे भी उनके नहीं रहते। पहले तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, बाद में उनके बच्चे उनको टाइम, वही उनके बच्चों के पास उनके लिए टाइम नहीं होता। जब मेरा मेरे बच्चे ही मेरे कुछ नहीं है, आगे जाके नहीं रहेंगे, तो मेरे को ऐसी जिंदगी से ऐसे पैसे से लेना क्या। आपने अमेरिका से आकर सबसे पहले क्या किया, क्या काम शुरू किया? मैंने यहाँ पे बिजनेस किया मोगा में, एक्चुअली मेरा रेजिडेंस मोगा शहर सिटी में है, तो फार्म मेरा ये लोहारा गांव में है। क्या काम शुरू किया, वहाँ क्या पे बिजनेस शुरू किया? मैंने इसका फास्ट फूड का एक कंपनी थी, उसकी मैंने फ्रेंचाइजी ली पिज़्ज़ा की, वो मैंने चलाई 2013 में स्टार्ट की, और फिर मैंने 2015 में आके अपनी कंपनी बनाई हमने, और उस वो चलाई 2 साल। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि दिमाग में तो चलता था भी नहीं ये हमारा काम नहीं है, फिर भी चलो कर रहे थे वो चला के, फिर जब 2017 में मेरे को मौका मिला, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अब मैं इस पास साइड नहीं, खेती में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मेरी एज भी ऐसे हो चली है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, उससे पहले परिवार इसमें नहीं आने को, परिवार बोलता है नहीं खेती नहीं, तो मैंने भी सोचा भी अब नहीं तो कभी भी नहीं, अब तो जो परिवार से भी करना पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा, फिर मैंने वो काम समेटा और 2017 में इधर आ गया। परिवार की तरफ से किस तरह की सहायता मिल रही है आपको अभी? जीरो, परिवार तो बहुत दुखी है मेरे से, वो ऐसा क्यों सोचते हैं? वो जो जो माहौल है, जो सारा सिस्टम चल रहा है, उसको देख के सोचते हैं ये तू एक अकेला ही एक गांव में ऐसा आ गया कि तू ऐसी खेती करेगा, वो लोग पागल हैं जो दूसरी कर रहे हैं, वो तू 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 लेबर लगा के घास वीड निकालता है, वो स्प्रे करते हैं 5 मिनट में घर चले जाते हैं, तू पूरा पूरा दिन खेत में ही रहता है। हाँ, इस खेत इस धरती में हर चीज पैदा होती है जो जो हमें खाने के लिए चाहिए, जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तो आप कौन कौन सी खेती करते हो अब यहाँ यहाँ? पे हम मेन तो गन्ने की खेती करते हैं, तो और उसका गुड़ शक्कर बना के खुद कलाड़ा लगाया हुआ है, वो प्रोसेस करके खुद सेल करते हैं, बेचते हैं, और उसके साथ हमने इस 6 एकड़ का फार्म है हमारा, और इसमें फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं, 1,000 से ज़्यादा ऊपर प्लांटेशन की हुई है इस खेत में, जिसमें 80% से ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स हैं। तो आप कौन कौन सी चीजें तैयार करते हो यहाँ पे? हल्दी, मिर्च, ऐसे करके हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, कुछ दालें भी उगाते हैं, जन के हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है, लहसुन है, आलू है, प्याज है, और सीजनल सब्जियां भी लगाते हैं, वो करते हैं। किस तरह से खेती करते हो आप, क्या क्या चीजें यूज करते हो उसमें आप? और हाँ, उसमें मेन तो हम गाय का गोबर जूस करते हैं, वही डालते हैं, और ये जो हमारी जड़ी झाड़ी होती है, अक्क हो गया, निम हो गया, ऐसी चीज़ें जो है उनका घोल बना के उसमें खेत में करते हैं, डालते हैं। जो लोग खेती करते हैं पेस्टिसाइड डाल के, और जैसी जो खेती आप करते हो, उसमें उपज का कितना फर्क पड़ जाता है? शुरू शुरू में थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारे काम में क्या है, मैनुअल काम है सारा, हाथों से काम करना पड़ता है, लेबर ज़्यादा लगती है, क्योंकि गुड़ाई भी हमें हाथों से करनी है, बिजाई भी हमने हाथों से करनी है, वो तो बड़ी बड़ी मशीनों से बिजाई करते हैं और स्प्रे करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, वीड को घास को ख़त्म कर देते हैं। इसमें थोड़ा खर्चा शुरू शुरू में खर्चा ज़्यादा आता है, जैसे जैसे चलता जाता है 3-4 साल 5 साल के बाद, तो इसमें फिर चीज़ें स्टेबल हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर होने लगता है, जो ज़मीन है वो ठीक हो जाती है। जो सामान आप बनाते हो जी तो आप उसको बेचते कैसे हो, होलसेल करते हो, मार्केटिंग कैसे करते हो, या रिटेल करते हो? नहीं, हम रिटेल नहीं बेचते, कस्टमर को ही, डायरेक्ट ग्राहक को ही बेचते हैं। तो आप मार्केटिंग कैसे करते हो, जैसे आप मार्केटिंग हम कुछ तो सोशल मीडिया इस पे,
व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बना रखे हैं, हमारा फार्म के नाम लोहारा फार्म के नाम से पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे ऐसे करके और आगे दिया गया हमें, अब तो 3.5 साल हो गए हैं, आगे दिया के बढ़ चुका है। लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिला आपको? आम लोगों की तरफ से तो कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा कि उनको ऐसा लगता है ये चीज़ महंगी है, बट अब हम अपनी चीज़ों का कंपेरिजन करके बताते हैं उनको। मान लीजिए हमारा आप गुड़ लोगे और बाजार से गुड़ लोगे, जितना गुड़ आप बाजार वाला गुड़ अपनी चाय बनाने में डालोगे, 100 ग्राम मान लीजिए आपने डाला, तो हमारा जो गुड़ है आपको 40 से 50 ग्राम डालना पड़ेगा। नौजवान पीढ़ी जैसे बाहर को निकलने की कोशिश कर रही है, चाहे जितना मर्जी पैसा लगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे, वो यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं? सर मैं तो उनको यही बोलना चाहूँगा भी आप उस चकाचौंध को मत देखिए, वो एक बहुत बड़ा शलावा है हमारे लिए, जब वहाँ जाते हैं तभी पता चलता है, इधर से बैठे तो बहुत लगता है, बट आप उधर जाके इतनी मेहनत करते हो, 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हो, वही मेहनत आप इधर हम आधी भी करें, अपने खेत में जाके आधी मेहनत करें ना, आधी मेहनत उससे कहीं ज़्यादा हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं और आप अपना नाम बना सकते हो, हैं खुद मेहनत करो और दिल लगा के मेहनत यहाँ पे करो, ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है हमारे सिस्टम ऐसे हैं, बट उन सिस्टमों को भी हमने ही बदलना है, जब हम यहाँ से भागते रहेंगे तो फिर उनको भी कौन बदलेगा। तो सरकार से आप किसी तरह से मांग करना चाहते हो, सरकार को कुछ सुजेशन देना चाहते हो खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों का साथ देने के लिए? सर सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं, वो हमारे हिसाब से तो चलती नहीं, सरकारें यही है भी इसको थोड़ा किसानों को हेल्प की जाए, इस सर्वे मतलब जो इस लाइन में आते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको हलाशेरी दी जाए जैसे हम पंजाबी बोल देते हैं, है ना, तो और भी किसान आ सकते हैं भी, कुछ ऐसे रूल बना रही हैं सरकारें इस पे भी बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा कंट्रोल करें, ऐसे हर किसान को ऐसे खेतों में जाके जो आपके महकमे वाले करेंगे तो जो कर रहे हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। कुछ किसानों का जो सीजनल गेहूं और चावल बीते हैं, उनका कहना है कि दूसरी फसल का सरकार हमें मूल्य नहीं देती, तो हम कैसे उसको कहाँ पे बेचेंगे? सर सरकार तो किसी भी चीज़ का मूल्य नहीं देती, क्या आज जो हमें 2200 रुपया या 2100 रुपया गेहूं का मिल रहा है ये मूल्य सही है, या चावल का जितना भी 1800-1900-2000 है, क्या वो उससे पड़ता पड़ता है कि, क्योंकि इसीलिए तो हमें सीखना है ना, ये हम खुद करें, हमारे पास जितनी भी जमीन है हम उसको ही क्यों ना बहुत बड़ी एक फैक्ट्री क्यों ना बना दें उस जमीन को, उसमें से इतनी ज़्यादा चीज़ें और हर चीज़ की डिमांड है, आज चावल और कनक की कितनी डिमांड है, कोई डिमांड नहीं है, बहुत भरे पड़े हैं भंडार, भरे पड़े हैं, और जिस चीज़ की डिमांड नहीं आप उसी को लगाते जाओगे तो कौन पूछेगा आपको, और फिर आपकी क्वालिटी डाउन हो रही है। तो अभी आगे आप क्या करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, अपनी धरती से क्या निकालना चाहते हो? और यही है, इसको बढ़ा रहे हैं और इसको बढ़ाएंगे, जो भी फसलें और होती हैं हमारी जो फसलें हैं, मैं बहुत चीज़ें जो बाहर के भी हैं वो नहीं, जो हमारे ही इधर पैदा होती थी और उन्हीं उसी को ही है, खाने पीने के ही, और एक मैं एक रसोई को पूरा अपने खेत से पैदा करना चाहता हूँ, एक घर की पूरी रसोई की जो नीड है जरूरत है वो मेरे खेत से निकली। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप, हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है, फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना, इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी, यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी, तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है, ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला,
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।